महादेव का मंदिर है, पीरमीठा गली बस सिक्योरिटी कहलाता है। और एक्चुअली में यहाँ पे क्या, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये कभी भी हादसा हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे ये अपना भी गिरा जा रहा है मलबा। और इसके कोई कोई हादसा हो जावे इसकी हमने कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन इसका कोई को ले नहीं रहा जी। चल प्रशासन आए थे, आके गए थे, देख करके चले गए, और उन्होंने बोल दिया था कि भाई हो जाएगा काम। उन्होंने शुरुआत तो करने के बोल दिया, लेकिन वो अभी तक वो काम चालू नहीं हुआ। जब बड़ा हादसा होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था, एक चार दिन पहले एक बच्चा बच गया यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ से ये दीवार ढही थी तो बच्चा एक मरते मरते बच गया। अभी उसकी जगह कोई दूसरा हो, कोई हादसा हो जाए तो उसके कोई वो कौन लेगा जिम्मेदारी? ये मजदूर किसने लगा रखे हैं काम के लिए यहाँ पे? ये जो है जिनकी मेरे को मालूम नहीं है एक्चुअली में, ये मेरा नाम बंटी। ये बख्शी जी कोठी पीर मिठा गली कहलाती है। ये जो रास्ता जा रहा है बख्शी जी कोठी का है, शिव मंदिर है। ये करीब 125 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, इसका मलबा नीचे गिर रहा है। आगे भी स्थिति इसकी बहुत ख़राब है। यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह भी आजू बाजू पड़ती है, काफ़ी जायरीन लोग आते हैं। वो इधर दो लॉज है, एक अग्रवाल धर्मशाला है, एक सीमा लॉज है, उसमें भी रुकते हैं। तो काफ़ी लोगों का आना जाना जायरीनों का बाहर से रहता है इसमें। क्या अच्छा समझ रहे हो? हाँ, हुआ क्या ये कैसे गिरे? अपने आप ही मलबा गिर रहा है, बहुत पुरानी है तो अपने आप ही मलबा गिर रहा है। पीर मिठा गली, पीर मिठा गली बख्शी जी की कोठी। किसकी कोठी है ये? बख्शी जी की कोठी। कौन है? अब इस राजगढ़ियों की हवेली कहते हैं इसको, राजगढ़ी। मालिक को पता है, पता नहीं अभी हमारे को पता नहीं। किसी को नुकसान हुआ क्या अभी? अभी फिलहाल तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हो सकता है। आगे आइए आप और मैं बताऊंगा आपको। आपका नाम बताओ। मेरे को प्रीतम सोनी कहते हैं।